आज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं हाजिर हूँ एक और नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं अगर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके और प्रेस कर दीजिए तो मेरे अगले सारे वीडियो की सूचना आपको अपने आप ही मिल जाएगी। तो मित्रों, मेरे चर्चा का विषय यह है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ पिछले एपिसोड में, पंच महापुरुष राजयोग। देखिए, पंच महापुरुष राजयोग, तीन राजयोग तो ऑलरेडी बन रहे हैं, इस समय चल रहे हैं। शनि का शस महापुरुष राजयोग चल रहा है, बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग चल रहा है दो, और तीसरा अभी शुक्र का महालंबी राजयोग। और देखिए, तीन राजयोग तो ऑलरेडी चल रहे हैं, चौथा राजयोग 27 जून से आएगा मंगल, जब अपनी राशि मेष राशि में आ जाएंगे। तो मंगल के आने से भाई, जब मंगल आ गए तो रोचक महापुरुष राजयोग बन गया, और 2 जुलाई से क्या होगा, भद्र महापुरुष राजयोग बन जाएगा। भद्र महापुरुष राजयोग का मतलब 5 राजयोग हो गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 5 भद्र महापुरुष राजयोग बन गया। तो 5 राजयोग बनेंगे आगे आने वाले समय में। सबसे बात का बनेगा 2 जुलाई को, वो बुद्ध का, बुद्ध के भद्र महापुरुष। महापुरुष राजयोग कब बनते हैं, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में केंद्र में आ जाता है। और 12 जुलाई तक मैं बता रहा हूँ, 12 जुलाई तक की बात कर रहा हूँ कि 12 जुलाई को शनि कुंभ राशि छोड़ करके मकर राशि में चले जाएंगे, तो वो राजयोग टूट जाएगा, फिर 4 ही रह जाएंगे। लेकिन कुछ राजयोग लंबे हैं, सबसे लंबा राजयोग है बृहस्पति का। बृहस्पति 1 साल तक अपने एक राशि में रहते हैं, तो सबसे लंबा राजयोग तो हंस राजयोग है बृहस्पति का। शनि का भी खत्म हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 12 जुलाई को। और बाकी जैसे जैसे और ग्रह बदलते जाएंगे, जैसे मंगल 10 अगस्त तक चलेंगे, तो राजयोग अब कुछ समय ऐसा आएगा जब 5-5 राजयोग चल रहे होंगे, करीब 2 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक का टाइम ऐसा आएगा जब 5 पंच महापुरुष राजयोग का समय चल रहा होगा। तो इन किन किन राशियों को, किसको 1 राजयोग है, किसको 2 राजयोग है, किसको फायदा मिल रहा है, वो देखना है हमको। ये समय जो है, एक तो मैंने बताया कि मंगल की और राहु की युति से और शनि की दृष्टि से एक बहुत भयंकर टाइम आने को है, 27 जून से 12 जुलाई तक का, वो भी मैंने बताया, वो विश्व के लिए बड़ा घातक रह सकता है। और दूसरा, ये राजयोग भी चल रहे हैं, तो जिन पुरुषों की जीवनी में ये राजयोग है वो तो फायदा देंगे, तो कुछ लोगों को फायदा होगा महापुरुष राजयोग के। और ज्यादातर विश्व में विभिन्न शहरों में, विभिन्न कंट्रीज में कुछ संकट तो आने हैं, क्योंकि ये समय जो है बहुत भयंकर समय है मंगल और राहु का, अंगारक राजयोग, जैसे कि मंगल का और शनि का लगातार फरवरी में, तो होगा क्या नहीं पता। लेकिन आप देखिए, पहला राजयोग बताऊं मैं आपको, जो आपने मैंने बताया था कि जो मकर मेष राशि में जब मंगल आएंगे, कब आएंगे, 27 जून को मेष राशि में, 27 जून को मंगल आ जाएंगे, तो मेष राशि के लगन में पहले भाव में बैठ गए, तो मेष राशि को रोचक महापुरुष राजयोग लग गया। वो राजयोग अब जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी मंगल की, वो समय फायदा पहुंचाएंगे। मंगल की दृष्टि देखिए 4, 7, 8 होती है, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, तो मेष राशि के चौथे भाव में सुख भाव में फायदा होगा। मेष राशि के सप्तम भाव में पत्नी पति का भाव है,
मेष राशि तो फिर फायदा फायदा पाएगी ना, तो मेष राशि को लगा रोचक महापुरुष राजयोग 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल रहेंगे। लेकिन मैं कॉमन पीरियड बता रहा हूँ, जब 5वां रहेंगे तब तो मेष राशि के लिए लग गया। अब ये देखते हैं हम मंगल केंद्र में और कब आ रहे हैं, तो मंगल केंद्र में आ रहे हैं 10वें भाव में। 10वें भाव का मतलब कर्म का भाव, और लग्न में कौन सी राशि आ गई, कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए रोचक महापुरुष राजयोग लग जाएगा 27 जून से आगे 10 अगस्त तक जाएगा वो तो खैर, लेकिन 27 जून से लग जाएगा। तो कर्क राशि के लिए भी आप देख लीजिएगा, 10वें भाव में मंगल बैठे, 4थे भाव पर दृष्टि जाएगी, और एक 7वें भाव में दृष्टि जाएगी। तो पति पत्नी के भाव में, परिवार के भाव में, सुख के भाव में, इस तरह से सारे भाव में जहां जहां अच्छी दृष्टि जा रही है मंगल की, रुचक महापुरुष राजयोग कर्क राशि को भी बहुत लाभ पहुंचाएगा। तो रुचक महापुरुष राजयोग मिल रहा है मेष राशि को, कर्क राशि को, और अगले केंद्र में आएंगे तो 7वें भाव में जब मंगल आ गए, तो लग्न में कौन सी राशि आ गई, तुला राशि। तो तुला राशि को भी मेष राशि, तुला राशि को भी मंगल 7वें भाव में बैठकर रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और तुला राशि की भी बल्ले बल्ले है। तो अब मंगल यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथे भाव को देखेंगे और लग्न को देखेंगे। लग्न का मतलब पर्सनलिटी आदमी की, और जहाँ बैठे हैं खुद वहाँ पति पत्नी के और व्यापार के भाव में, सहयोग के भाव में, वहां तो देंगे ही देंगे लाभ। और प्लस चतुर्थ भाव में देखेंगे सुख भाव में, तो सब तरह का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन गाड़ी सब कुछ मिलेगा। तो रुचक महापुरुष राजयोग बनाकर मंगल मेष राशि को, कर्क राशि को, तुला राशि को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। और कौन सी राशि आई, जब मंगल चतुर्थ भाव में आ गए, सुख भाव में आ गए, तो लग्न में आ गई मकर राशि 10वीं। तो मकर राशि को भी मंगल सामने 7वें भाव में कर्म स्थान में दिख रहे हैं, तो व्यापार में, कर्म में, जॉब में, नौकरी में लाभ, और लग्न को दिख रहे हैं, और दशम अष्टम दृष्टि से मंगल जो है 4, 7, 8 आठवीं दृष्टि से 8वें भाव को, यानी 8वां भाव कौन सा है इसमें, 8वां यहाँ भाग्य भाव को दिख रहे हैं। तो भाग्य भाव को, कर्म भाव को, भाग्य भाव को, लग्न भाव को मंगल देख रहे हैं, और सुख भाव में बैठे हुए हैं। तो मकर राशि की तो भाई 27 जून के बाद रोचक महापुरुष राशि से बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये 4 राशियों के लिए तो रोचक महापुरुष राजयोग लगा, कौन सा, मेष राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, तुला राशि के लिए और मकर राशि के लिए। तो भाइयों अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो ऑलरेडी चल रहा है शश महापुरुष राजयोग शनि की वजह से, वो चलेगा जब तक 12 जुलाई तक, जब तक शनि कुंभ राशि में रहते हैं। जब वो कुंभ राशि को छोड़कर मकर में प्रवेश पा जाएंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 12 जुलाई तक क्या हो रहा है। जब शनि लग्न में बैठे हैं कुंभ राशि 11वें भाव में, तो शश महापुरुष राजयोग लग गया, और शनि अपनी दृष्टियां डालेंगे जहां जहां अपने उच्च के राशि में बैठ करके फायदा पहुंचाएंगे, रन को फायदा पहुंचा रहे हैं सबको, 7वें भाव को भी शनि की दृष्टियां जैसी हैं उसके हिसाब से 3, 7 और 10, तो उससे आप देख लीजिएगा 10वीं दृष्टि देख लीजिए कहाँ आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत बढ़िया। कर्म भाव में, कर्म भाव में, पति पत्नी के भाव में, तो शनि महाराज कुंभ राशि को शश महापुरुष राजयोग बनाकर लाभ ही लाभ दे रहे हैं। शनि महाराज जब 10वें भाव में आ गए तो दूसरी राशि कौन सी, वृष राशि आ गई लग्न में, तो वृष राशि के लिए भी शनि महाराज 10वें भाव में बैठकर शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे, और जहां जहां उनकी दृष्टि जा रही है वहां लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। और जहां बैठे हैं वहां तो शनि की दृष्टि थोड़ा सा लाभ कम देती है, लेकिन जहाँ बैठते हैं वहां तो खूब ही लाभ देते हैं ना। तो कर्म स्थान में बैठ के तो आपको जॉब, नौकरी, तरक्की,
व्यापार में लाभ सब कुछ देंगे। जहाँ बैठे हैं वहाँ का तो आप शनि का लाभ है ये, जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वहाँ थोड़ा हानि होती है। और शनि महाराज जब सप्तम भाव में आ गए तब क्या हुआ, तब सिंह राशि आ गई लग्न में, तो सिंह राशि के लिए भी शुष्म राजयोग दिया कहाँ, सप्तम भाव में। और शनि महाराज जब चतुर्थ भाव में केंद्र में आए, चतुर्थ भाव में आए तो लग्न में कौन सी राशि आ गई, वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को भी शुष्म महापुरुष राजयोग बन गया। तो शनि महाराज ने शुष्म महापुरुष राजयोग बनाया कुंभ राशि को, वृषभ राशि को, सिंह राशि को और वृश्चिक राशि, ये 12 जुलाई तक रहेगा, अभी चल रहा है। और देखिए तीसरा महापुरुष राजयोग बना जो, वो कब बना, बृहस्पति से, बृहस्पति का सबसे लंबा है, क्यों, बृहस्पति एक साल तक रहते हैं एक राशि में, तो बहुत लंबा राजयोग चलेगा। बृहस्पति जब लग्न में बैठे मीन राशि आ गई, तो मीन राशि को लग्न में बैठकर बृहस्पति महाराज लाभ पहुंचाएंगे। बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में, बृहस्पति महाराज की सप्तम दृष्टि सामने जाएगी अपने पति पत्नी परिवार के भाव में, तो बृहस्पति महाराज बल्ले बल्ले करेंगे किसका, मीन राशि का। और मीन राशि के बाद देखिए जब बृहस्पति महाराज दशम स्थान में केंद्र में बैठेंगे तो लग्न में आएगी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि को भी हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। और जो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में बैठेंगे तो कौन सी लग्न में राशि आ गई, कन्या राशि, तो कन्या राशि के लिए भी हंस महापुरुष राजयोग बन गया, बहुत देर तक चलेगा ये। और इसके बृहस्पति महाराज के सभी फायदे आप देख लीजिए, सभी फायदे होंगे। और बृहस्पति महाराज जब सुख भाव में आ गए केंद्र में तो धनु राशि के लिए हंस महापुरुष राजयोग बन गया भाई, तो चार राशियां मीन मिथुन कन्या और धनु ये सुख पा रही हैं, धन पा रही हैं, तरक्की पा रही हैं, नौकरी में व्यापार में सब में हंस महापुरुष राजयोग से। तीन राजयोग ये हो गए भाई, चौथा राजयोग देखिए बन रहा है शुक्र का, शुक्र जो है कहाँ, नहीं चौथा बना या बुध का, तो बुध कहाँ है, बुध बुध शुक्र के साथ ही है दोनों के, तो बुध बुध का तो बनेगा भद्र महापुरुष राजयोग 2 जुलाई से, तो बुध का बना 2 जुलाई से भाई। तो केंद्र में बुध बैठे हैं तो कौन सी राशि आई, बुध जो है कहाँ है इस समय, वृष राशि में है, पर वृष राशि में तो नहीं, शुक्र भी बुध में है, बुध में है, तो आप देखिए शुक्र और बुध दोनों ही है, दोनों ही इस समय तो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे, बड़ा विचित्र राजयोग। पहले बुद्ध ने सूर्य के साथ बुद्ध आदित्य राजयोग बनाया था, इस समय बुद्ध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे। और जब बुद्ध हट जाएंगे वहां से, बुद्ध 2 जुलाई को चले जाएंगे मिथुन राशि में है, तो शुक्र अकेले रह जाएंगे, तब भी शुक्र क्या करेंगे, शुक्र भी राजयोग बनाएंगे, कौन सा, मालव्य, मालव्य राजयोग शुक्र बनाएंगे। और शुक्र कहाँ रहे, अपनी राशि में भाई, अपनी राशि कौन सी है, वृषभ राशि, तो द्वितीय राशि लग्न में बैठ गई, तो वृषभ राशि में शुक्र बैठ करके राजयोग बना रहे हैं मालव्य। और शुक्र सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख करके पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध, व्यापार बढ़िया, सहयोग से अच्छा संबंध, सब कुछ देंगे शुक्र। और अगली राशि शुक्र जब कहाँ जाएंगे, दशम भाव में जाएंगे, तब क्या होगा, कर्म स्थान में बैठ करके मालव्य राजयोग बनाएंगे शुक्र। और दूसरी मतलब वृषभ राशि आ जाएगी कर्म स्थान में, तो वृषभ राशि यहाँ आ गई, तो लग्न में कौन सी राशि आई, लग्न में आई सिंह राशि भाई, तो सिंह राशि के लिए मालव्य राजयोग बन गया, और सिंह राशि की बल्ले बल्ले हो गई। और जब शुक्र सप्तम भाव में केंद्र में पहुंच जाएंगे, मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो लग्न में कौन सी राशि आएगी भाई, वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि भी सुख पाएगी, सप्तम पाएगी, सुख की कृपा पाएगी। और जब शुक्र पहुंच जाएंगे चतुर्थ भाव में यानी सुख स्थान में बैठकर
सप्तम भाव कर्म स्थान को मिल गए, तो वो कौन सी राशि रहेगी भाई? वो राशि रहेगी कुंभ। तो कुंभ राशि के लिए भी मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग चार राशियों को बना, कौन सा? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो हमने देखिए ये, और अभी तो एक और राजयोग बनेगा, कौन सा बनेगा? 2 जुलाई को वो बनेगा बुध का, जब बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे, यानी बुध मिथुन राशि यानी तीसरी राशि, बुध 2 जुलाई से आ रहे हैं तीसरी राशि में, फिर 16 जुलाई को चले जाएंगे कर्क राशि में, तब सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। अभी तो मिथुन राशि में आकर के वो भद्र महाप्रभु राजयोग बनाएंगे। तो मिथुन राशि लग्न में आ गई, बुध वहां आ गए, तो मिथुन राशि के लिए बन गया भद्र महाप्रभु राजयोग। तो बुध तो सब कुछ देंगे, जो हर एक को हर ग्रह अपने उच्च का होकर के महापुरुष राजयोग में लेता है, लग्न में बैठ करके तब तब आपको देखता है पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, परिवार में अच्छे संबंध। तो मिथुन राशि बन गया भद्र राजपुरुष योग, और अब आई अग्नि राशि, कौन सी आई? जब बुध आ गए, कहाँ? जब बुध आ गए दशम भाव में, तब कौन सी राशि आई भाई? छठी राशि आ गई लग्न में। छठी राशि मीन्स, छठी राशि मीन्स कन्या राशि। तो कन्या राशि आ गई लग्न में, तो कन्या राशि को बन गया भद्र महापुरुष राजो, तो कन्या राशि भी लाभ पा रही है। और जब बुध आए सप्तम भाव में, तब लग्न में आ गई कौन सी राशि? लग्न में कौन सी राशि आ गई भाई? धनु राशि आ गई। तो धनु राशि के लिए भी बुध ने बना दिया भद्र महापुरुष राजयोग, धनु राशि भी लाभ पाएगी, क्योंकि अपने धनु राशि लग्न में बैठी है, सप्तम भाव को देखेगी, पति पत्नी के भाव को देखेगी, और चौथा भाव जब बुध आ जाएंगे चौथे भाव में केंद्र में, तब जो है मीन राशि के भद्र महापुरुष राजयोग बन जाएगा। तो भाई लोगों, ये बने महापुरुष राजयोग, कितने कितने बने? पहला बना मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि के लिए रोचक महापुरुष राजयोग। दूसरा बना शुद्ध महापुरुष राजयोग, कुंभ, वृषभ, सिंह और वृश्चिक के लिए। तीसरा बना हंस महापुरुष राजयोग, मीन, मिथुन, कन्या और धनु के लिए। मालव्य राजयोग बना चौथा, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ के लिए। और पांचवा बना भद्र महापुरुष राजयोग, मिथुन, कन्या, धनु, मीन के लिए। तो हम समराइज करें अगर इसको, तो हम देखते हैं, देखिए चार राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मकर, इनको सिंगल महापुरुष राजयोग बन रहा है, रुचक महापुरुष राजयोग, मंगल की वृद्धि, ये चलेगा 10 अगस्त तक। तो ये चार राशियां सिंगल महापुरुष राजयोग का सुख भोगेंगी अप टू 10 अगस्त। और देखिए बाकी जो और राशियां हैं उनको देखता हूं मैं। देखो मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये क्या है? चार राशियां, इन पर हंस महापुरुष राजयोग चलेगा, जो कि 1 साल तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक, ये बृहस्पति का। तो मंगल का 10 अगस्त तक चलेगा चार राशियों पर, और चार राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मीन का हंस राजपुरुष चलेगा बृहस्पति का लंबे टाइम तक। और देखिए कुछ राशियां मैं बता दूं आपको, जिन पर दो दो महापुरुष राजयोग चल रहे हैं, दो दो, कौन कौन से? देखो मिथुन राशि पर हंस महापुरुष राजयोग और भद्र महापुरुष राजयोग डबल, वृष राशि पर शश महापुरुष राजयोग और मालव्य राजयोग, सिंह राशि पर शश महापुरुष राजयोग और मालव्य राजयोग, कन्या राशि पर हंस महापुरुष राजयोग और भद्र महापुरुष राजयोग, वृश्चिक राशि पर शश महापुरुष राजयोग और मालव्य राजयोग, और कुंभ राशि पर शश महापुरुष राजयोग और मालव्य राजयोग। तो देखिए 8 राशियां ऐसी हो गई जिन पर डबल डबल चल रहे हैं, डबल डबल राजयोग, और 4 राशियां हैं जो मेष, कर्क, तुला, मकर, उन पर सिंगल रोचक महापुरुष राजयोग। अच्छा कुछ राशियों का जो 12 जुलाई को खत्म हो जाएगा, जब शनि अपने चले जाएंगे
अपनी रांची छोड़ देंगे, मकान में आ जाएंगे। तो वृषभ सिंह वृश्चिक धनु का वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ का 12 जुलाई तक है, कुछ का बुध तक का 16 जुलाई तक है। लेकिन चार राशियां तो बहुत जबरदस्त हंस महापुरुष राजयोग पा रही है बृहस्पति का, मिथुन कन्या धनु और मीन। तो भाइयों बहनों, महापुरुष राजयोग कुछ 8 राशियां डबल पा रही हैं, कुछ 12 जुलाई तक जिनका शस महापुरुष राज खत्म हो जाएगा, कुछ का 16 जुलाई का बुद्ध का भद्र महापुरुष राजयोग खत्म हो जाएगा, कुछ का रुचक महापुरुष राजयोग 10 अगस्त को खत्म हो जाएगा, और बाकी का बृहस्पति का तो चलेगा लंबे टाइम तक 2023 वाले, तो 1 साल तक बृहस्पति रहेंगे मीन राशि में। तो ये मैंने आज आपको समझाया कि महापुरुष राजयोग 5-5 महापुरुष राजयोग इस महीने की अवधि में बन रहे हैं, 1 महीने में, और कितने कितने राशियों को फल पहुंचा रहे हैं, धन दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की। तो 5 महापुरुष राजयोग, किसी को डबल डबल, किसी को सिंगल, किसी को कम टाइम के लिए, किसी को ज्यादा टाइम के लिए, ये 5 महापुरुष राजयोग आपकी जिंदगी को बहुत उन्नति देंगे। मित्रों नमस्कार।